नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जुगो टेक का एक फ्रेश एक्साइटिंग एपिसोड पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं BSNL 4G लॉन्चिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BSNL जो है इस बार अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। दोस्तों, अभी जो है कुछ ही हफ्ते के अंदर आपको BSNL का 4G सर्विस देखने को मिल सकता है। शायद आपको नेक्स्ट वीक के अंदर ही जो है BSNL का 4G सर्विस आपको देखने को मिल सकते हैं भारत के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है BSNL का 4G कब तक लॉन्च होगा और कौन सी सर्कल के अंदर लॉन्च होने वाला है, तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए बिना डिस्कस किए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड का अगर मैं बात करूं तो दोस्तों BSNL भारत के अंदर अभी भी 2G और 3G नेटवर्क पे ही जो है अपना सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इंडिया के अंदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी का बात कर रहा हूं, जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन और इन जैसे कंपनी का जो सर्विस है वो आपको अभी 2G, 3G और 4G में भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, BSNL जो है अभी भी अपने 4G सर्विस को इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इसीलिए जो है BSNL इस जो प्राइवेट कंपनी है इससे पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, आप काफ़ी दिनों से BSNL 4G के बारे में बहुत सारे न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि BSNL जो है अपने 4G सर्विस को बहुत ही जल्द भारत के अंदर लॉन्च करने वाला है। लेकिन BSNL जो है अभी तक अपने 4G सर्विस को लॉन्च नहीं करवाया भारत के अंदर। तो दोस्तों, इसीलिए जो है BSNL ने इस बार जो है कह दिया कि BSNL अभी जो अपने 4G सर्विस को इमीडिएटली लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। BSNL जो है अभी इमीडिएटली भारत के अंदर अपने 4G सर्विस को लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों, BSNL जो 4G सर्विस जो लॉन्च करेगा ये VI कंपनी के साथ कोलैब करके करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है BSNL वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके अपने 4G सर्विस को प्रोवाइड करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। अभी जो है BSNL ये जो VI और जो वोडाफोन आइडिया का ये जो टावर होता है उसका यूज़ करके आपको जो 4G सर्विस देने वाला है। तो दोस्तों, ये कैसे काम करेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, BSNL का जो 4G सर्विस है ये आपको जो है नेक्स्ट वीक से ही शायद देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपका एरिया में ये जो VI का और वोडाफोन आईडी का जो टावर है, अगर टावर आपके घर के आसपास में 4G टावर आपका घर में आसपास में VI का लगा हुआ है या फिर वोडाफोन आइडिया का आप बोल सकते हैं लगा हुआ है, तो दोस्तों उस टावर का यूज़ करके आपके अगर आपके पास BSNL का 4G सिम कार्ड है तो आपको जो 4G सर्विस देखने को मिल जाएगा BSNL की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो अगर आपके पास BSNL का 3G कार्ड है तो जो है आप BSNL का स्टोर में जाके जो है उसको एक्सचेंज करा लीजिए, अपने 4G में अपडेट करवा लीजिए, तो जो है अभी आपको अभी BSNL के अंदर 4G सर्विस देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो 4G सर्विस है ये BSNL और वोडाफोन आइडिया दोनों जो है पार्टनरशिप करके आपको देने वाला है। दोस्तों, क्योंकि दोस्तों BSNL अगर खुद का अपने 4G टावर अभी लगाने अगर जाते हैं तो BSNL जो है अभी भी आपको 4G सर्विस दे नहीं सकते। तो दोस्तों, इसीलिए जो है वोडाफोन आइडिया और BSNL जो है दोनों कोलैब करके अभी आपको BSNL का 4G सर्विस दिलाएगा। और इसके साथ ही साथ BSNL जो है अपना 4G टावर का जो इंस्टॉलमेंट है वो भी चालू रखेगा। तो दोस्तों, जैसे ही सारे जगह के अंदर BSNL 4G का टावर लग जाएगा तब जो है वोडाफोन आइडिया के साथ जो पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप को बंद करके आपको जो है BSNL अपना जो 4G टावर है वहाँ से आपको 4G सर्विस देने वाला है। तो दोस्तों, यही कुछ न्यूज़ BSNL की तरफ से आया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और दोस्तों, ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर का न्यूज़ डेली बेसिस में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिखाए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जैसे हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।